आज दोस्तों 25 सितंबर है और पिछले एक महीने से मैं अपने वन प्लस नोट फोर को एज माई डेली डिवाइस यूज कर रहा हूं और एक महीने बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले ऑफ दी वन प्लस नॉट फोर की अभी अपकमिंग सेल में आप लोगों को वन प्लस नॉट फोर लेना चाहिए फॉर दिस डिस्काउंटेड प्राइस या फिर आप लोगों को दूसरे फोन की तरफ जाना चाहिए अगर आप चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इस साल के एंड तक हमें दस हजार सब्सक्राइबर्स पूरे करने तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते पिछले एक महीने से दोस्तों मैं वन प्लस नॉट फोर को यूज कर रहा हूँ लगभग पंद्रह दिन मैंने इसे खुद यूज किया एज माई डेली उसके बाद दोस्तों ने अपने मम्मी को ये फोन दे दिया था चलाने के लिए तो पिछले पंद्रह दिन से वो ही फोन को यूज़ कर रही है तो मैं दोस्तों इस वीडियो में दोनों का ही एक्सपीरियंस को कंबाइन करके देने वाला हूं और मैंने दोस्तों मम्मी से फोन बीस तारीख को ले लिया था तो पिछले पांच दिनों से भी मैं इस फोन को कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा पता चल जाए और सॉफ्टवेयर अपडेट भी दोस्तों इसमें लेटेस्ट वाला इंस्टॉल्ड है तो ग्रीन लाइन इशू अभी तक तो नहीं आई है फ्यूचर का पता नहीं तो सबसे पहले दोस्तों अच्छी चीजों की बात कर ले तो उसके बाद बुरी चीजों की बात करते और एंडिंग में दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं तो अच्छी चीजों की बात दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा एक बार फिर की अच्छी चीज आप देख लेते तो वो चेंज नहीं होती है चाहे वो फोन साल भर पुराना भी हो जाए तो अच्छी चीजों की बात करें तो डिस्प्ले तो वन प्लस नोट फोर का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चाहे कलर या फिर कलर एक्यूरेसी की बात करें नोट फोर का डिस्प्ले बढ़िया है हालांकि ब्राइटनेस उतनी ज्यादा नहीं है अगर आप रियलमी जीटी सिक्सटी के साथ कंपेयर करें लेकिन अच्छी डिस्प्ले है ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है कंपेरिजन अगर आप नहीं करते तो स्टैंड अलोन नॉट फोर की डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी ठीक है और कलर वगैरह सारा कुछ अच्छा है और अगर साउंड की क्वालिटी की बात करें दोस्तों हालांकि डॉलबी एटमोस का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है लेकिन साउंड की क्वालिटी स्पीकर की

फोर का बहुत ही ज्यादा अच्छा है उसके बाद अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की भी बात करें, भी है, 30, रुपीज। हीट होने पर फोन जल्दी ठंडी भी हो जाती है दो चार दिन तक हीटिंग रहती है लेकिन परफॉर्मेंस दोस्तों नोट फोर का बहुत ही ज्यादा अच्छा है कैमरा की अगर बात करें दोस्तों मैंने कैमरा रिव्यू पहले करके ही रखा है मैंने वीडियो डाली थी वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कैमरा भी दोस्तों के हिसाब से ऐसा ही आपको मिलेगा उन्नीस बीस का फर्क बिकॉज कैमरा सेंट्रिक ये है नहीं तो थर्टी थाउजेंड में दूसरे फोन में जैसा आपको कैमरा सेटअप मिलता है वैसा ही इस फोन में मिलता है और अंत तो में दोस्तों अगर बैटरी लाइफ की बात करें बैटरी लाइफ भी अच्छी है पहले तो डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप मिलता था लेकिन अभी दोस्तों लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन निकाल के दे देते तो ये तो दोस्तों हो गई अच्छी चीजें अब बात करते हैं नेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं एक ही चीज की मैं बात करूंगा नेगेटिव में वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर दोस्तों जैसा कि मैंने अपने सेवन डेज वीडियो में कहा था फिर जो अपने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में कहा था कि सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर हमें मिलता है अगर हम नए से फोन को परचेस करेंगे

मामले में वन प्लस नॉट एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप थर्टी के अंडर फोन लेने की सोच रहे इस सेल में आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो आ, मैं सोच रहा हूँ कि इसे अब सेल कर दू बिकॉज नए फोन भी लेने पड़ेंगे सेल वगैरह आ रहा है तो देखता हूँ कोई मिलता है तो सेल कर दूंगा और अगर कुछ सवाल है सुझाव है दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बिकॉज फोन एक बार सेल होने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो प्लीज़ कमेंट वगैरह में पूछिएगा और आईपीप दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मिटिव लगे अगर चैनल चैनल सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करें अगली वीडियो में तो जय हिंद वंदे मतलब